वाराणसी सांस्कृतिक संगठनों के समूह नट रक्षक के बैनर तले प्रदेश प्रदेश पर से जुटे तमाम रंग कर्मियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सुप्रसिद्ध गंगा घाट 80 पर G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित संदेश सहज एवं सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाने एवं रंग कर्मियों की व्यथा को खासकर रेल यात्रा के दौरान मिलने वाले कंसेशन को पुनः शुरू करने के लिए रंग कर्मियों ने संगीत एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता फैलाया। वाराणसी की नाट्य संस्था मंच दूमत के सौजन्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें ज्योति गोपाल, लियाकत अली, अजय रोशन, शिवम उत्कर्ष, ज्वल नव्या शामिल रहे। वहीं झारखंड से आए अनिल सिंह, दिल्ली से आए कृष्णाचार्य सोनी एवं शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के शदान खान अपनी रंग टोली के साथ शामिल रहे। नाटक के दौरान वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में उपस्थित दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का बीच बीच में उत्साहवर्धन करते रहे। जी, मेरा नाम अजय रोशन है, मैं बनारस का एक रंगकर्मी हूँ। किस प्रकार का प्रोग्राम आपने यहाँ पर किया है? माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सुप्रसिद्ध गंगा घाट 80 पे हम लोग जो आज का कार्यक्रम जो कर रहे हैं, जो ये हम लोग G20 शिखर सम्मेलन जो हमारे देश में हो रहा है उस पे हम जन जागरूकता कार्यक्रम, और साथ ही साथ जहाँ से हमारे अलग अलग प्रदेशों से ये साथी लोग आए, झारखंड से हमारे अनिल जी और शाहजहाँपुर से हमारे शादाब जी, और ये हमारे दिल्ली से हमारे जो साथी हैं ये कृष्णाचार्य जी, ये अलग अलग प्रदेशों से हम यहाँ पे जुटे हैं कलाकार, वो इसलिए कि जो रेलवे में रियायत हमें ये रेल यात्रा में मिलता था कंसेशन, वो अब बंद हो चुका है, जिससे हमें अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान जो हम लोग कर रहे थे, और एक बहुत बड़ा जो बाधा आ रहा है, क्योंकि 20-20 की टोली, 25-25 की टोली में हम जाते हैं और कलाकारों की स्थिति, जो पारिवारिक स्थिति कह लें या आर्थिक स्थिति कह लें, हर किसी से वाकिफ़ है, किसी से छिपा नहीं है। कैसे कैसे हम रंग कर्म करते हैं, कैसे कैसे लोगों को जोड़ते हैं। कलाकार समाज को आईना दिखाने का काम करता है, दर्पण दिखाने का काम करता है, समाज की जो विसंगतियाँ हैं उसको समाज के सामने लाकर नुक्कड़ नाटक, जनगीत के माध्यम से, मंचीय नाटकों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का कार्य करता है। इस ओर किसी का भी ध्यान जा ही नहीं रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कल के दिन में पूरे दिन हम लोगों ने एक संगोष्ठी की, जिसमें बनारस के बहुत सारे वरिष्ठ रंगकर्मी जुटे, और साथ ही साथ हम लोगों ने उसमें बहुत सी चर्चा परिचर्चा की, जिसमें रंगकर्मियों की बात, युवा रंगकर्मियों को कैसे जोड़ा जाए, और साथ ही साथ दर्शकों को हम रंगमंच तक, अपने थिएटर तक कैसे लाएँ, और साथ ही साथ हमारे जो शहरों में कलाकारों के लिए सस्ता जो एक मंच है वो कैसे उपलब्ध हो। जैसे बनारस की स्थिति हम कर ले, बनारस में देखिए रंगमंच के नाम पे नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह है, लेकिन उसका रेट बहुत ज़्यादा है, जो हम लोगों के परे, हम लोग उसको चुका नहीं सकते, रंगमंच कर्मी जो है उसे चुका नहीं सकता। ऐसी विडंबना सभी जगह का है। तो मेरी सरकार से, शासन प्रशासन से ये विनती है, निवेदन है कि कलाकारों की पीड़ा को भी आप समझें, हमारे मर्म को भी आप समझें, और रेलवे में रियायत के साथ साथ कलाकार को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो सहूलियत हमें मिले। मोदी जी, रंगमंच कलाकारों के लिए तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि उपलब्ध करा रहे हैं, तो कहाँ से ये बाधा कर रहा है कि जो आप लोग की पूर्ति नहीं हो पा रही? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए भाई साहब, ये हम तो कहना जी, बेशक जो है योजनाएँ चला रहे होंगे और चल भी रही है, लेकिन कलाकारों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? बीच में कौन लोग हैं जो कलाकारों तक पहुंचने नहीं देना चाहते, या हमारी बात बीच में कहां अवरोध हो रही है, इस पे जो है एक जांच होनी चाहिए, और कलाकारों का को जो निष्पक्ष रूप से जो हमारी बात उन तक पहुंचे और जो सुविधाएं हैं वो हम तक आएँ, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं आ रही है इसका जवाब मेरे पास नहीं। कहाँ ये गलती हो रही है, कौन लोग हैं बीच में बिचौलिए जो इस तरीके की दिक्कत पैदा कर रहे हैं, आखिर उनका चेहरा उजागर होना चाहिए।